अच्छा मुझे अब बताइए कि अब कामयाबी हो गई, माशाल्लाह सब कुछ हो गया, नाम भी हुआ, इज्जत भी मिली, अब माशाल्लाह आगे चल पड़ा है सिलसिला, माशाल्लाह काफी देर से चला हुआ है इंशाल्लाह। और मुझे पूरा यकीन है बिकॉज इनको पता है कि ये किस नाम को आगे लेके जाना है इनको। जी हाँ बिल्कुल, इसमें तो इनको सारी इश्क की बात है, इसमें इश्क ज्यादा इन्वॉल्व करना पड़ता है और इनको भी सबको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इश्क हो तो माशाल्लाह ये इश्क लगा रहता है, समझता है, आखिर मेरे को इसने बचपन से सुना है। तो इनकी इनका सुनना और है, आप लोगों का सुनना और है, बाकी लोगों का सुनना और सुना है। हम लोगों को और तरह सुनाते हैं, आप लोगों को और तरह सुनाते हैं। सच्ची बात। तो आपको आप बताइए आमिर जी, बिस्मिल्लाह, जब आप पैदा हुए तो जाहिर है माशाल्लाह फुल आप, मतलब इनके स्ट्रगलिंग डेज तो आपने नहीं देखे होंगे ना जी? जो इनके स्ट्रगलिंग डेज थे वो आपने नहीं देखे होंगे। आपने जब आंख खोली होगी तो आप गुलाम अली खान साहब के बेटे थे। जी जी बिल्कुल। और शफकत भाई, ये बताना चाहूँगा आपको भी कि इस घर में आंख खुलने का मतलब था कि अल्लाह पंचतन पाक की कोई ख़ास ब्लेसिंग थी कि उन्होंने इस घर में पैदा किया और ऐसे इंसान के घर पैदा किया जिसको पूरी दुनिया प्यार करती है, उनके काम से प्यार करती है। तो वो पैदा होते ही एक ब्लेसिंग तो जुड़ गई थी साथ। लेकिन आप भी जानते हैं कि ब्लेसिंग्स को ले कर चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब देखा, जब समझ आई, आंखें खुली, तो आगे एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन खड़ा कर चुके थे खान साहब। और मतलब ही वॉज ऑन द पीक एट दैट टाइम। तो बड़ा अच्छा लगा, बल्कि शेयर करता चलूँ, आप बड़े भाई हैं मेरे, क्योंकि बचपन का सारा जो टाइम था ना, बहुत कम टाइम हमें मिला खान साहब जी के साथ जी गुजारने के लिए, क्योंकि उस वक्त ये यहाँ से आए, अमेरिका से आए 3 महीने बाद, फिर लंदन चले गए, फिर कनाडा चले गए, फिर इंडिया चले गए। तो वो टाइम फिर हम भी स्टडी करते थे, तो बहुत शॉर्ट टाइम रहा हमारा इनके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब 10-15 साल से अब मैं इनके साथ ही, इनके दुआओं के सदक़े में, तो अब जाके थोड़ी सी रूह को भी सेटिस्फैक्शन होना शुरू हो गई है कि मैं अब इनके साथ हूँ। वो होना भी चाहिए साथ वो, और काम इन्होंने जैसे सिखाया, जैसे इनकी तरबियत है, जैसा ये बताते हैं, उसके अलावा भी ये जो आम जो ज़िंदगी है उसमें गुजारने के लिए जो सबक देते हैं, जो चीज़ें बताते हैं, मेरे ख्याल में वो समटाइम मुझे लगता है कि वो म्यूज़िक सिखाने से भी बड़ी बातें हैं। वो जब सीख लेंगे तो म्यूज़िक भी खुद ही आ जाता है। बेशक ये कुछ ऐसी बातें ये बताते रहते हैं मुझे, मतलब मेरा ख्याल है आप ही ने भी कहा कि अदब करने से भी सुरता हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप अदब करें जी दिल से, और ऊपर से सुनते रहें, ऊपर से साथ रहें, सोबत में रहें, और खिदमत करें और इज्जत करें, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि असल में शफकत भाई, मेरा ज़िंदगी का मोटो भी यही है कि जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं अपने अब्बा उस्ताद गुलाम अली खान साहब की पैरों में पड़ा रहूँ और इनकी खिदमत करता रहूँ। ये मेरा सबसे अवलीन जो मकसद ये है। बाकी ये आपका मकसद नहीं, ये आपका फ़र्ज है। जी मकसद फ़र्ज, कई लोग फ़र्ज से थोड़ा सा चुक भी जाते हैं ना जबकि भाई मैं जैसे मुझे आज जो वाहिद रिग्रेट है वो ये है कि काश मेरे वालदैन जिंदा होते। जी मैं शायद पता नहीं क्या करता उनके लिए। वाह, अगर वो मेरे पास होते तो। आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं जी जी कि आपने एक ऐसे आर्टिस्ट के घर पे उनके नाम के साथ जन्म लिया और फिर उनकी तरबियत में पले बढ़े और अब उनके साथ हैं आप। ये अल्लाह का करम है शफकत भाई, इससे बड़ा करम नहीं है। जैसे ऑलरेडी आई सेड, मैं आपको ब्लेसिंग है बता रहा हूँ कि इससे बड़ा करम नहीं है जी। अपने बिल्कुल सही है, बुजुर्ग का होना और फिर ऐसे बुजुर्ग का होना, इससे बड़ा करम आप अल्लाह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बेशक पैसा वैसा सब सब जी नहीं, ये चीज़ें तो सब आनी जानी चीज़ें। तो आप जब आमिर पैदा हुए थे जी जी, कितने खुश हुए थे आप? मैं लंदन में था। अच्छा, तो ये इसके इसका फ़ोन मैंने घर किया तो पता चला ये
तशरीफ ले आए, तशरीफ ले 17 जुलाई को मैं उधर ही था। अच्छा। तो एक दोस्त के घर पे फोन पे बात हुई, तो वहाँ पे मैंने मिठाई विठाई बांटी। मेरे दोस्त है बाप बहुत ज़्यादा, उस वक्त उस्ताद उम्मीद अली खान साहब, अल्लाह उनका साथ चलने वाला, वो भी उधर लंदन में थे। अच्छा। तो वो भी बैठे हुए थे जब मैं मिठाई मंगवाई, तो जहाँ वो ठहरे हुए थे वो मेरा दोस्त था, उनका शागिर्द था खान साहब का। अच्छा। तो वो अब भी है, तो उनके घर में फिर बैठे रहे। तो ये बाकी दोस्त है बाप, बहरहाल तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र बहुत किया है, ट्रैवल बहुत किया है, तो लेकिन सुर के साथ ज़रूर किया है। गाने का ट्रैवल भी, इसके हम गवाह हैं। सुर को ज़रूर प्यार किया है, क्योंकि मैंने आंखें जब खोली तो ऐसे लोगों को सुना, आपको तो पता है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब जी, और उस्ताद बरकत अली खान साहब जी, और उस्ताद मुबारक अली खान साहब जी, और उस्ताद अमान अली खान उनके छोटे भाई, और फिर अपने आपके वाले साहब उस्ताद अमानत अली फतेह अली खान साहब। मैं सब अच्छे लोगों को अच्छा प्यार करना चाहता था, और सारी जिंदगी यही किया मैंने जहाँ भी मुझे सुर मिला है ना, वहाँ मुझे अपना बड़ा ही मिला है, मैं अपना बड़ा ही समझा उसको। ये बहुत बड़ा सबक है, हाँ जी, आप यकीन करें, ये अगर जितने लोग बैठ के सुन रहे हैं और जो सुनेंगे इसको, मेरा ख्याल है इससे बड़ा आप किसी को जुमला नहीं कह सकते कि जिसको आप अपना बड़ा समझेंगे वो आपके लिए एक उस्ताद की तरह हो जाएगा। तो जब तशरीफ आबरी हुई जब इनकी, जी आपके प्लान्स थे, आपने सोचा था कि मैं इनको सिंगर ही बनाऊंगा या नहीं? ये तो बाद में पता चलता है कि ये सिंगर बनेगा भी कि नहीं बनेगा। लेकिन बाप के तौर पे तो ख्वाहिश, बाप के नाते पे तो ख्वाहिश तो होती है। अच्छा काम अगर है तो मैं अगर उसको अच्छा समझता हूँ तो जाहिर है मेरा मन यही करेगा कि मेरी औलाद भी ये काम करे। इससे बड़ा भी है माशाल्लाह अब्बास, नजर अब्बास अली, तो वो भी माशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, सुरूप को प्यार करता है वो भी। अच्छा माशाल्लाह। यो गाने की आपको तो पता, आपको क्या बताऊं, गाने की जो तहजीब है ना वो पहले आनी चाहिए बिल्कुल, कि आ कहाँ से करना चाहिए, आप आ के लिए मुंह कैसे खोलना चाहिए, और आगे ई के लिए कितना मुंह खुलता है, बी के लिए बंद हो जाता है, और मीन के लिए सुर को कितना काबू करना पड़ता है, और तीव्र मध्यम तीव्र कोमल के लिए क्या 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 जतन करना पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर सीखने से आती है। ये सीखने से आती है, सीखने से और करने से और सुनने से। हमें जैसे बताया गया है कि सीखो, करो, बिल्कुल, और सुनो। सुनने से भी जी, अगर आपके कान अच्छे हैं, जैसे बहुत ऐसा होता है कि कोई अच्छी चीज़ सुनते हैं तो उसमें जो एक जगह होती है वो आपके यहाँ पे कहीं स्टोर हो जाती है, बिल्कुल स्टोर हो जाती है, और फिर वो आपको भी नहीं पता होता कि आपने वो कब निकाल के यूज़ की, बिल्कुल यूज़ की। सो सुनना भी बहुत ज़रूरी है। आपने कितना प्रेशर फील किया जब आपने गाने के लिए प्रॉपरली सोचा कि मैं अब गाना शुरू करूँ? जी शबकत भाई, प्रेशर तो होता है जब आपके ऊपर एक इतना बड़ा तनावर दरख्त हो, उसकी छाँव में आप बैठे हैं, तो आपका सम टाइम दिल करता है कि यार छोड़ो, धूप में क्यों जाना है, छाँव में तो बैठे हुए हैं ना। लेकिन जब उस छाँव में से थोड़ा थोड़ा सा निकलना पड़ता है ना, तो वो आपको लगता है कि आई वॉज इन द प्रेशर। वो छाँव ठंडी ज़रूर लग रही होती है, लेकिन उसमें सम टाइम आपके साथ वो प्रेशर भी जुड़ा होता है। जैसे आपने पहले भी कहा कि फ़लान का बेटा है, फ़लाने का बेटा है, या फ़लाने की बेटी है, तो एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं उनकी काफ़ी, क्योंकि लोग एग्जैक्टली कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि यार ये उसका बेटा तो वैसा ही होगा, उसका बेटा तो वैसा होगा। बट आई डोंट बिलीव दिस थिंग। सम टाइम मुझे लगता ये है कि वो उस दौर के वो जो बंदे थे ना, उस दौर में उन जैसा कोई नहीं था। तो अब जो जिस दौर में हम हैं, अगर मेरा बिलीव है कि अगर मैं खान साहब जी को एग्जैक्टली कॉपी करके गाऊँगा, तो जो लोग इनको लाइव सुन सकते हैं किसी भी मीडियम से, वो उनकी कॉपी क्यों सुनेंगे? तो मैंने जब मुझे भाई ये कहते हैं शुरू में से कि बेटा ये सारी तबीयत तुम्हें दे दी है, लेकिन जो कुछ भी करना ना वो सुर में करना, ठीक है, और एग्जैक्टली करेंगे तो कंपैरिजन भी रहता है। फिर वो देखिए, दो बातें मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप हैं माशाल्लाह उस्ताद मान अली खान साहब के बेटे हैं, मैं गुलाम अली खान साहब का बेटा हूँ, आप अच्छा गाएंगे ना तो लोग कहेंगे कि यार
कोई बड़ी बात नहीं है, अमाद अली खान साहब का बेटा है तो अच्छा ही गाएगा, मैं गाऊंगा, कहेंगे गुलाम अली साहब का बेटा है तो इन्होंने नहीं गाना तो किसने गाना। तो अगर हमसे थोड़ी सी भी भूल चूक हो जाएगी ना तो वो कहेंगे यार उसका बेटा ये क्या कर रहा है। तो यानी हमारा दोनों तरफ भी गुजारा नहीं है, तो वो बहुत मुश्किल से होगा चलना। तो वो एक ऐसा इन दोनों चीज़ों के बीच में शक्कर भाई कैसा एक ऐसा रास्ता है जिसको चुन के चलना पड़ता है मेरे ख्याल में। तो वो माशाल्लाह आपने भी एक्सपीरियंस की है वो चीज़ें, मैं भी कर रहा हूँ। मेरा म्यूज़िक करने का मेन मकसद यही है कि मैं अपने वालिद साहब की जितनी भी गाई हुई चीज़ें हैं उनसे इंस्पिरेशन लेके उसमें कुछ थोड़ा सा अपना इनपुट डालूं, और वो जो नई जनरेशन आने वाली हैं जो लोग अब बड़े हो रहे हैं उन तक वो चीज़ें कनेक्ट करें वो लोग, क्योंकि वो इतनी गंभीर चीज़ों को ना अब वो कनेक्ट नहीं कर पाते लोग। दे वॉन्ट टू लिसन वेरी ईजी काइंड ऑफ थिंग्स, बड़ा ईजी म्यूज़िक उनको अच्छा लगेगा, हाँ अभी नाचो और घर जाओ। बट ये म्यूज़िक नहीं है, म्यूज़िक वो होता है जो आपकी सोल तक पहुँचे। आप बैठ के मज़ा ले रहे हो, चार घंटे गुजर गए हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि चार घंटे कैसे गुजर गए, दैट इज़ म्यूज़िक। तो उस सिलसिले में वो सिट डाउन महफिल्स करते हैं आप? सिट डाउन महफिल्स वो जी वो सिट डाउन महफिल्स में होता है नॉर्मली कि जो घर की जो महफिलें होती हैं जिसमें आप नीचे बैठ के गाओ तकिए लग के, जी जी वो आप करते हैं या अभी तक सिर्फ स्टेज तक हैं? जी नहीं, वो भी करता हूँ, वो बहुत सिलेक्टिव से जो मेरे कुछ दोस्त हैं हमारे पाक फौज के कुछ ब्रिगेडियर्स हैं वो मेरे बैचमेट थे, मैं बोर्डिंग में पढ़ता था आर्मी पब्लिक स्कूल मरी में, तो वो जो मेरे साथ पढ़े वो कोई कर्नल बन गया है कोई कुछ हो गया, तो वो उनके लिए मैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं तो उनके लिए मैं प्राइवेट महफिलें करता हूँ, ज़रूर करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मौका मिलता है खान साहब जी के साथ स्टेज शेयर करने का और कॉन्सर्ट्स करने का। ये तो बड़ी महफिल फ़ख्र की बात है कि आप स्टेज शेयर करते हैं इनके साथ। जी ये मेरी ज़िंदगी का मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ स्टेज शेयर करता हूँ। बाप होना वालिद होना एक अलग बात है, जब आप स्टेज पर होते हैं तो फिर वहाँ पे काम होता है, तो अगर वहाँ पे कुछ भूल चुक हो जाए तो मैं हर दफ़ा जब भी मैं स्टेज पे जा के परफॉर्म करता हूँ अब्बा जी के साथ तो ऊपर वाले से और मौला पाइंदन पाक से मदद लेता हूँ कि आज आपने इज्जत रखनी है। बिल्कुल जी, इनके सामने भूल चुक होना क्योंकि ऐसे लोग माफ़ कर दें, ये ऐसे लोग बड़े सीनियर लोग कभी ना कभी ज़रूर निकालें। नहीं ऐसे लोग शब्द भाई ऐसे लेजेंड लोग या ऐसे बड़े लोग इनके सामने तो वैसे ही आवाज़ नहीं निकलती, तो लेकिन जब आपको वो कहते हैं ना शो मस्ट गो ऑन, जब लोग हमें सुनना चाहते हैं बाप बेटे को, तो फिर मैं बड़ी हिम्मत को शायद इनके खून का जो असर है ना वो वहाँ पे फिर बोलता है कि यू हैव टू यू नो शो मस्ट गो ऑन। जाहिर है जाहिर है। पार्क टी हाउस पे बैठे आप जी? पार्क टी हाउस पे बैठे पार्किंग एक जगह है हाँ मॉल रोड पे हाँ, हाँ, कहते हैं पार्क टी हाउस। हाँ हाँ मैम पार्क टी हाउस। कितना टाइम मॉल रोड के पास? बिल्कुल चौक के पास। आपका टाइम गुजरा वहाँ? मैं चंद दिनों के लिए गया हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे हबीब जालम साहब का मेरा बड़ा टकराव होता था। बिल्कुल, बिल्कुल, और भी शायरों का, तो वहाँ बहुत लोग शायर बैठते थे तो कभी कभी वहाँ जाते थे, बड़ा मज़ा आता था उर्दू अदब की बातें सुनने को। बातें सुनने हाँ जी और शायरी सुनने को। मैं इसलिए पूछा है, मेरा सवाल ये करने का मकसद ये था कि मैं जब कॉलेज में था और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, मैं फर्स्ट ईयर में था तो हमारे कुछ प्रोफेसर्स थे वो कभी कभी अवारी जाए पार्टी हाउस उस जमाने में इतना नहीं हिट रहा था, तो फिर वो अवारी या किसी और रेस्टोरेंट में जाके बैठा करते थे। तो जब वो लोग बैठते थे और आपस में बात कर रहे होते थे तो मैं बिल्कुल एक कोने में चुपचाप बगैर एक लफ्ज बोले पाँच पाँच घंटे बैठा रहता था। यही होता था जी बिल्कुल। और मैं सिर्फ सुनता रहता था कि अच्छा ये क्या, और मैं रोज़ाना वहाँ से उठता था और मैंने कुछ चार से पांच नए लफ्ज सीखे हुए लेके आते थे रोज़ाना। तो मैं इसलिए पूछा कि क्या आप भी ऐसा करते रहे हैं कि जहाँ पे आपको पता है कि मौसीकी की बात नहीं होगी लेकिन अदब की बात जरूर होगी, बैठे वहाँ पे? ज़्यादातर रेडियो पे बहुत इस तरह की गुफ्तगू होती थी उर्दू अदब पे। बिल्कुल। तो रेडियो कैसा मीडिया था उस वक्त जो कि जो वहाँ से मंच के निकला है ना वो उर्दू अदब में मार नहीं खाएगा। ये बिल्कुल ऐसे सुना मैंने। ये नहीं, उस वक्त इस तरह की शायरी होती थी कि हर कदम दूरी मंजिल है नुमाया मुझसे, मेरी रफ्तार से भागे है बेआबा मुझसे।
है जी, इस तरह की शायरी होती थी। अच्छा, मैं आपके एक छोटी सी, मैं माफ़ी आपको रतकलामी की माफ़ी चाहता हूँ, मुझे सारे जो है ना पीछे से मुझे यूं यूं कर रहे हैं कि आप तहतुल लफ्ज में कहते जा रहे हैं, हमें कोई हल्का सा एक टुकड़ा छोटा सा कोई हमें अगर अनायत ये क्या के सबसे बयां दिल की हालतें करने, वाह वाह ये क्या, वाह 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 ये क्या के सबसे बयां दिल की हालतें करने, फराज तुझको नायाई मोहब्बतें करने, वाह 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 ये क्या के सबसे ये कहीं वही न्यास साहब वाली तो नहीं है जी, न्यास हुसैन शामी साहब वाली तो नहीं, ये मेरी अपनी लेकिन ये सब आपने जब आपको लगता है कि आप किसी कंपोजर से इंस्पायर हैं? मैं उस्ताद रज़ा साहब और नियाज़ हुसैन शामी साहब और इनसे बहुत इंस्पायर, जो बहुत अच्छा मुश्किल में डाल देते थे लेकिन जो मुश्किल से मुश्किल को कबूल कर लेता था वो आगे भी निकल जाता था। बिल्कुल ऐसा ही है। आप यकीनन इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि कुछ कॉम्पोजिशन ऐसी होती हैं जो सुनने में आपको कानों पर बहुत आसान लगती हैं, ऐसा नहीं लगता कि यार को बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन जब गाने के लिए बैठे तो वो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही। तो ऐसी नज़र साहब का जहाँ तक मैंने काम सुना वो ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल, कि सुनने में आपको इतना मज़ा आ रहा होता है कि आप बिल्कुल क्या बात, सुनने से रुकते नहीं, और लेकिन जब गाने के लिए हाँ तो होश ठिकाने ठिकाने खुदा उनको गरीब के रहमत करे। फरीदा जी के साथ कितना काम किया आपने? एक स्टेज पे कई दफ़ा काम किया है, लेकिन उन्होंने अपना गाया, हमने अपना गाया, क्योंकि वो भी अपने अपने स्टाइल की एक वाहिद खातून बेशक गज़ल गाने के लिए खास कोई शक, और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि गज़ल या गीत या दादरा या ठुमरी, ये तो ठुमरी दादरा तो खैर मुनासिब लोग गा सकते हैं, आम लोग नहीं गा सकते, तो गज़ल भी मुनासिबी लोग गा सकते हैं मेरा ख्याल है, तो बाकी गाने आम लोग तो सारे लोग गाते हैं। पहले मुझे बख्शी वज़ीर, आपको पता है ना म्यूजिक डायरेक्टर थे, मेरे दोस्त भी था वज़ीर हुसैन, तो गाता भी था वो, तो मैं भी अब रियाज करते थे इकट्ठे माला समिया में, तो मैं उधर रहता था उस वक्त, तो मुझे कहता यार फिल्म, मैं फिल्म में कर रहा हूँ तो मेरे दो तीन गाने गाओ आप, तो फिल्म में गाना गाना है, तो मैंने अब्बा जी से पूछा, अब्बा जी कहने लगे सुनो तूने फिल्म में नहीं, मैंने तुझे गाने देना, फिल्म में तो कोई भी गा सकता है, मैंने तुझे वो गाना गाना चाहिए तुझे जो तू ही गाए, वाह तो लोग सुने, वाह वाह, मैं पुत्र तुझे ऐसा सिंगर बनाना चाहता हूँ जो तुझे लोग सुने तो कहें कि हाँ ये काम यही कर सकता है, हम हर आदमी नहीं कर सकता, तो फिल्म में तो कोई भी गाएगा तो वो फिल्म का गुरुकार को कहलाना शुरू कर देगा। बहरहाल फिर मैंने उनको थोड़ा सा मनवाया, मैंने कहा थोड़ा सा पब्लिक में आने के लिए, नाम ज़्यादा होने के लिए, सौदा बेचने के लिए कोई थोड़ा सा इजाज़त दे दें आप, जो अच्छा अच्छा होगा वो मैं गाऊँगा। फिर मैंने ये किया कि खाम खा के गाने नहीं गाए मैंने, अच्छा। जो मेरे थोड़ा बहुत सुर जिसमें मुझे मिला वो मैं वो गाने गाए। अच्छा, आपको अपना सबसे अच्छा फिल्मी गाना कौन सा लगता है? फिल्मी आपके पास? जी हाँ, सबसे फिल्मी गाना अच्छा जो मैंने पहले शुरू में गाया था पहली बार, या जिन्ना अखियाँ ने तकिया यहो जहा तकिया के हाई मार सत्या चंबे दिए बंद कर लिए, हाँ जी, फिर करते हैं मोहब्बत, सब बहुत कम गाने गाए लेकिन लेकिन सब अच्छे, सब अल्लाह का फजल है पॉपुलर हुए, तो फिर शौकदार इतबार हुई इसकी, तो मैंने खुद ही ट्यून बनाई और रिकॉर्डिंग भी खुद ही किया EMI में। अच्छा, हाँ जी। और ये किन पे पिक्चराइज हुआ था? ये मेरे शौकदार इतबार थे, हाँ जी, 68 हाँ जी, उस वक्त चुपके चुपके भी तब रिकॉर्ड LP में आया था मेरा। अच्छा गुलाम साहब, आपको कैसा लगता है कि आज जैसे एक फैसिलिटीज आ गई बहुत ज़्यादा? जी हाँ, फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज आ गई, जिसमें एक बेसुरा
जो सिंगर है वो भी सुर में हो जाता है जी हाँ, उसको मेलोडाइन बोलते हैं उसको, उस सॉफ्टवेयर को। ये ज्यादती है सिंगर के साथ, तो कोई बात नहीं सिंगर के साथ नहीं, मतलब सुनने वालों के साथ, सुनने वालों के साथ। लेकिन मैंने मैंने किसी से पूछा था ये, और मैंने कहा था इसकी क्या रीज़न है, तो मुझे उसने बताया था कि जी इसकी रीज़न ये है, बिकॉज जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो जितने भी आप लाइव इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कम यूज़ होते हैं, तो सारा कुछ सॉफ्टवेयर से बचता है, और जो सॉफ्टवेयर है वो एक पिच है जो आपको भी याद होगा, EMI की एक पिच होती थी 440 हारमोनियम जिसपे हम करते हैं, तो वो 440 पे सारे होते हैं बिल्कुल पिच परफेक्ट। ह्यूमन वॉइस थोड़ी सी एक एक ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है, उसको उस सिस्टम में बिठाने के लिए उन्होंने उसको 432 पे उसको सेट कर दिया, तो आपकी आवाज़ ताकि उसमें बिल्कुल उसमें बैठ जाए उसमें। तो आपको लगता है कि अगर ये दौर उस वक्त होता तो आप जितनी मेहनत आपको और जितना आप केयरफुल रहे हैं गाने के मामले में, क्योंकि उस वक्त आपके लिए हर जो एक महफिल वक्त मैदान होती थी, तो आपको लगता है कि अगर इतनी फैसिलिटी होती तो आप शायद इतना परफेक्ट ना हो पाते आज? शुक्र है कि उस वक्त नहीं था ये क्योंकि अपने सुर को पक्का करना पड़ता है, करना पड़ता था। अगर अगर आपका अपना सुर पक्का हो जाए तो फिर कोई वरी नहीं होती, बिल्कुल है जी बिल्कुल। अगर कोई कहीं कुछ ना कुछ कभी भी किसी से भी हो सकता है, वो तो और बात है, लेकिन पता तो हो गया है, इसका पता तो होना चाहिए आपको खुद पता। जैसे मैं अभी हमारे बड़े अच्छे एक हमारे मुल्क का एक स्टार है शान, तो उस वो कभी कभी मजाक उड़ाते रहता है दोस्तों में बैठ के, मुझे उनके दोस्त हैं साजी साहब, बहुत करीब ही उनके रहते हैं, तो कहते हैं जी मैंने एन नहीं सिंगर बना देता तो हम लोग ऐसे स्टूडियो में एक गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं आजकल, हम कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो मैंने उनको मैंने कहा अच्छा अच्छा जानो जाके ज़रा दो लाइनें गा के आए ज़रा, तो चला गया अंदर, पहले बहुत ना उसने किया लेकिन फिर चला गया फाइन। जब वो चले गए तो अंदर जाके जैसे ही ट्रैक शुरू हुआ और उसने गाना शुरू किया तो एकदम रुक गया वो, जब वो रुक गया तो मैंने कहा क्या हुआ, कहते नहीं है बहुत ऊँचा गया मेरे हस्ते, तो मैंने उसे बोला कि यही असल में पहचान है कि आप सिंगर बन सकते हैं अगर आप मेहनत करें तो, अगर आपको अगर आप शुरू हो जाते ना तो आपको फेल कर दिया जाता तो जो आपने बात की है हाँ बिल्कुल, कि आपको पता हो कि आपने कहाँ पे गलती की है और क्या गलती की, बिल्कुल, तो फिर उसको मैनेज कर सकता है, उस पर यही कर सकता है। तो क्या जैसे मेरा सा 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 रे सा रे सा ग सा ग सा, इसको कहते हैं कोमलती वर, तो इसका अगर पता चल जाए कि इसका वजन क्या है, वजन क्या है, तो फिर आदमी कोशिश यही रहती है कि आदमी पक्का ही गाए। मैं गुलाम अली साहब, मैंने एक साहब हैं वो मैं मुझे मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है जी जी, बहुत बुरी हैंड राइटिंग, मैंने उसको परफेक्ट करने की कोशिश की थी एक ज़माने में, तो मैंने एक लड़के की मैं हैंड राइटिंग से बहुत इंप्रेस था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये तू किस तरह लिख लेता है इस तरह इतने फ्लुएंसी के साथ, कैसे लिख लेता है तू इतना फ्लुएंट कैसे है, और तू क्या गलत नहीं लिखता कभी? उसने कहा कि पता नहीं कुछ ऐसा बन चुका है कि मैं जैसे कोई गलत लफ्ज़ लिखता हूँ ना तो मेरा हाथ रुक जाता है। वाह, जो ये आप बात कर रहे हैं जी हाँ, अगर एक सिंगर होगा तो वो अगर लगाना कोमल है और लगाएगा तीव्र तो ऑटोमेटिकली उसका गला रुकेगा, बिल्कुल लगाने रुक जाएगा बिल्कुल, और ये सिर्फ रियाज करने से आता है, सारा पहचान की बात और रियाज की बात, बिल्कुल बिल्कुल। आपने इतना ट्रैवल किया, इतना ट्रैवल किया आपने? मेरा ख्याल में ट्रैवल किया है बस, बहुत किया है, इसमें कोई शक नहीं। कौन सा ऐसा मुल्क था जहाँ पे आपको लग रहा था कि यार यहाँ पे शायद सुनने वाले ठीक नहीं होंगे? ट्रैवल से मुझे बात बहुत बड़ी बात याद आ गई please, है please. कि मैं जब घर से निकलता था ना अपने घर से जी. तो आपको पता है माँ बाप, माँ और बाप ये कमाल का तोहफा होता है, तो मैंने कहा चलिए अच्छा ठीक है, तो दरवाजे बाहर दरवाजे के पास खड़े हो जाना और दुपट्टे की आधी झोली बना लेनी और आधा सर पे रखना, वो कहना जाओ जिथे चले जिथे पैर होगी उथे खैर होगी,
जहाँ पैर हो, जहाँ बाँव हो, वहाँ पैर हो। तो ये दुआएं साथ होती थी और बाप की भी इसी तरह कि मैं तेरी पहचान मानता हूँ। बस वो ये सारा काम वहाँ से दुआओं से चला, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी उनकी बात को इधर उधर नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए। और उसी और उसमें मेरा फायदा था और मेरा फायदा है, और आने वाले लोगों का भी, बच्चों का फायदा है बेशक। आपको जो दुआएं मिली हैं बिल्कुल, ये भी उसको एंजॉय करना है। मैंने जिंदगी में जब भी कभी ये याद मुझे सब भी मेरे सामने आते हैं, तो मैंने इनके लिए उस दिल से दुआ मांगता हूँ जिस दिल से मेरा बाप मेरे लिए मांगता था। वाह, लगेंगे, जरूर लगेंगे इंशाल्लाह, और लग रही है। अच्छा नहीं, मेरा एक सवाल था कि मतलब एक होता ना, जैसे मैं आपको बाहर का क्या सुना, हम अपने मुल्क में जी हाँ हमारे एक दोस्त जो कॉलेज में थे, हम स्टूडेंट्स थे जी हाँ, तो किसी भी जगह मुंह उठा के गाने चले जाते थे हम लोग। तो हमें एक, तो हमारे एक दोस्त है वो स्वाबी में, एक जगह स्वाबिया, वहाँ पे उसकी शादी थी, वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था। उसने कहा यार तुम लोग यहाँ पे गाते रहते, मेरे भाई की शादी वहाँ पे भी आके गा दो। तो हम लोग चले गए थे गाने के लिए, लेकिन वहाँ पे हम सब ने कोशिश कर ली, सब ने सब कुछ गा लिया जो जो जिसको आता था, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर बाद में कुछ और काम शुरू हुआ तो वो शोर मच गया वहाँ पे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप जब किसी, होता ना कि आप ट्रैवल, आपको अफ्रीकन किसी कंट्री से आ गया एक, कि जी या ऐसी कुछ जगह से आ गया जहाँ पे आपको लगा कि यार यहाँ पे कई दफ़ा शायद सुनने वाले नहीं होंगे, कई दफ़ा ऐसा लगता है, लेकिन कुछ मालिक का ऐसा कुछ कर्म है, कुछ नाम का भी असर पड़ जाता है, कुछ वो भी हो जाता है। मुझे ऐसे लोगों ने भी सुना है जो सीरियस सिंगर को 5 मिनट नहीं सुन सकते, अपनी डाल देते हैं, हमने ये सुनना है, हमने वो सुनना है, हमने बंगला सुनना है। एक आदमी मुझे, मैं दिल्ली में अशोका होटल के हॉल में गा रहा था जी। तो वहाँ बैठा था तो एक सरदार जी उठ के खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा गुलाम अली जी आप बहुत बड़े सिंगर हैं, तो आपकी गजल है ना जो वो आवारगी, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, इसका मतलब इसका मतलब कि ये, अगर उसे कल्ले को उठ के खड़े हुए हो ना, वही आधा मतलब है। मैं कहा तुसे कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, कोट के खड़े हो बस, ए आभार भी है, ए आभार भी है। और दूसरी बात शफकत भाई, रिसेंटली इत्तेफाक हुआ मैं जाके प्रोग्राम्स करने का केरला में। अच्छा। तो उस वक्त जाते हुए हम दो मैं और अब्बा जी फ्लाइट में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे आपको पता है उनकी लैंग्वेज केरला की साउथ इंडियन, तो मुझे कहते हैं हाँ सब कि यार वो तो सब उनकी लैंग्वेज ही हो रहा है, वो तो उर्दू बोलते नहीं है या इंग्लिश बोलते हैं, तो हमें उन्होंने बुला ली है तो उनको क्या समझ आएगी। मैंने कहा अब्बा वो अब बुला लिया, अब जाके देखेंगे कि क्या होगा। तो बिल्कुल जो कॉर्नर है ना केरला का शफकत भाई, उस जगह का नाम है त्रिवेंद्रम, तो वहाँ पे हमारा पहला कॉन्सर्ट था। समुंदर वो एक आइलैंड है, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने हमें इनवाइट किया हुआ था। अच्छा। तो हम तब तक दोनों बाप बेटा सरप्राइज ही थे जब तक हम लोग स्टेज पे नहीं गए कि यहाँ बड़ी आधे 500-600 लोग आ जाएंगे सुनने के लिए, या इतने लोगों को उर्दू की जानकारी होगी। तो आप लिटरली यकीन करें अल्लाह का इतना करम है कि जब मैं और खान साहब स्टेज पे गए तो आगे 35,000 लोग बैठे हुए थे, 35,000 लोग थे वहाँ पे, और उनमें से उर्दू कोई भी नहीं बोल सकता था, दे वर जस्ट लिसनिंग, उनको समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो उर्दू में बात नहीं कर सकते थे। जी वो कहते ना म्यूजिक नीड्स नो लैंग्वेज, हां जी म्यूजिक इज नो लैंग्वेज, तो वैसा ही था। और मैं कोई शेर छोड़ देता था ना, हां जी, तो वो याद कराते होंगे आगे से। हां जी बिल्कुल बिल्कुल, इतना सुना उन्होंने, इतना सुना। कितनी देर परफॉर्म किया आपने वहां पे जी, कितनी देर परफॉर्म किया हमने उधर? हां जी डेढ़ लोग कम डेढ़ 2-2.5 घंटे 72। वाओ कंटिन्यू, और उनको सब याद होगा आपका, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं भाई हार्ट कर लेता हूं, इतना कर लेता था। अच्छा, और अभी कभी आपको डायरी की जरूरत पड़ी जी, कभी लिरिक्स शीट की जरूरत पड़ी? बहुत कम, बहुत कम, जो बहुत कम गजल गाई हो ना तो मैं डायरी इत्यादि बाज रखता था, रखते हैं, तो वो फिर निकाल लेता था, साथ बैठा है ये बैठा है या कोई और दोस्त बैठा है वो निकाल दो ये। लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ, बहुत कम होता है वैसे, इनको सारे लिरिक्स यहाँ भी
मुहर्रम में जो हम पढ़ते थे ना सलाम, वो भाई हाथ में बढ़ लेता था माशाल्लाह, तकरीबन इतना लंबा बहुत सारा, तो लोग खुश होते थे अपने रेडियो पाकिस्तान वाले। अच्छा, सूद सलाम आपने किस शायर के ज्यादा? मीर अनी साहब, मिर्जा दबीर साहब और मोहसिन नकवी साहब है जी, तो इस तरह से बहुत कमाल की, जैसे कि देखो ना कमाल का शायरी है वो के शबी है इमाम जमा खींचते हैं, तस्वुर में तस्वीरें जहाँ खींचते हैं, जगह बोल ली है मजारों की खातर, शहीदी जमीन पर निशान खींचते हैं, अनीस जमीन पर बहुत कम है वसत, शहीदी जमीन पर निशान खींचते हैं। उन्होंने तारीफ वास्ते ये जमीन और ये सारा कुछ नहीं है, जिन्हें छोटी सी कलम है और छोटी सी डायरी है, वो भी कम है। वाह वाह वाह, सुभानअल्लाह। आपकी एक गजल, मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में था तो मेरा एक दोस्त था, अब मुझे पता नहीं वो दोस्त कहाँ पे है, बहुत अरसा से मुलाकात हुए, जब से शोबिज में आए हैं तब से कॉलेज पे बहुत चंद दोस्त रह गए जिनसे मुलाकात हुई। वो आपकी गजल गाया करते थे, जिनके होंठों पे हंसी हंसी पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तुम्हें ढूंढने वाले होंगे। मुझे हालांकि वो ही वाज अ लर्नर, सो सीख रहे थे वो, मुझे उनकी आवाज़ में उसका इतना मज़ा आता था, वो जब भी गाता था मैं बैठ के सुनता था। दो अगर आप हमें जिनके होंठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तुम्हें ढूंढने वाले होंगे, जिनके होंठों पे हंसी पांव में छाले होंगे। बस ऐसे ऐसे तो आपको पता है ना, अजीब सा लगता है। ऐसे मैंने कहा मेरा प्यारा छोटा प्यारा भाई भी है और मेरा बहुत मुझे प्यार करने वाला और मैं खुद भी प्यार करने वाला आपको, तो आपकी बात न चाहूँ। बहुत शुक्रिया, आई एम रियली ऑनर्ड। मैं जब मैंने ये एक ट्रिब्यूट है जो हम सब जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं कि दुनिया तो पेश कर रही है और उनके उनके जो पुराने जितने भी सिंगर्स हैं वो उनके गानों को चाहे थोड़ा सा फ्यूज़ करके ला रहे हैं सामने, लेकिन लेके आ रहे हैं। हमें जैसे क्रॉस द बॉर्डर या यूएसए के कुछ ऐसे सिंगर्स हैं, ऐसे कंपोजर्स हैं जिनके नाम हमारे बच्चों को अब तक याद है, लेकिन हमारे अपने सिंगर्स के नाम बच्चे भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम आज के दौर में आप जैसे लोगों को ट्रिब्यूट दें। मैंने एक सारित की हुई है आपकी, एक पंजाबी हमने निकाल के हम उसको थोड़ा सा ट्विक करके गाया, माशाल्लाह वो हमने कल रिकॉर्ड कर लिया था, तो मुझे पूरा यकीन है वो जब लोग सुनेंगे और तो उनको अंदाज़ा होगा कि ये कितने खूबसूरत पंजाबी थी। वेतू पाके जुदाइयाँ, वेतू पाके जुदाइयाँ, इट्स सच अ ब्यूटीफुल मेलोडी। मैं मुझे याद है मैं बहुत छोटा था और मैं गुनगुना रहा था और मुझे नहीं समझ आया कि मैं रो क्यों रहा था। वो ऐसे नोट आपने यूज़ किए हुए हैं उसमें कि वो मजबूर कर देते, अगर आप शुरू को समझते हैं तो आप ज़रूर आंखें नम तो ज़रूर होती हैं आपको, हमने वो किया है। लेकिन अभी हम आमिर से कुछ सुनना चाहेंगे। बिल्कुल 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 जरूर। आमिर साहब आ जाए मैदान में। बिल्कुल, क्यों नहीं। तुझे उम्र भर नहीं
क्या ये तय है तुझे उम्र भर नहीं मिलना, तो फिर ये उम्र ही क्यों तुझसे डर नहीं मिलना, तो क्या ये तय है तुझे उम्र भर नहीं मिलना, तो फिर ये उम्र ही क्यों तुझसे गर नहीं मिलना, तो क्या ये तय तुझे उम्र भर खातिर ये जब्र भी सह ले, चलो जमाने की खातिर ये जब्र भी सह ले, कभी मिले भी अगर टूट कर नहीं अगर टूट कर नहीं मिलना, तो फिर ये उम्र ही क्यों तुझसे गर नहीं मिलना, तो क्या ये तय है तुझे उम्र भर कर नहीं मिलना, के अब गए तो कभी लौट कर नहीं मिलना, तो फिर ये उम्र ही क्यों तुझसे गर नहीं मिलना, तो क्या ये तय तुझे क्यों? बस ये आपके प्यार में और आप को अच्छा लगा मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है, और खान साहब जी की दुआएं जो हैं असल में वही बात हो रही थी शौकत भाई के, दुआएं जब पीछे माँ बाप की हों स्पेशली बाप की या माँ की, तो वो हर चीज़ वैसे ही अच्छी हो जाती है। तो आज मैं कुछ भी कर रहा हूँ मुझे लोग प्यार करते हैं या कुछ भी, तो वो काम तो मेहनत तो होती है लेकिन कर्म होना भी ज़रूरी है, और कर्म होता है बाप की दुआओं से। बेशक। तो मेरा मानना यह है कि जो कुछ भी आज मुझे लोग प्यार करते हैं थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वो बस इनके कदमों के बदौलत इनके सदके में। इसमें कोई शक नहीं जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अब माँ बाप की दुआएं और आप भी हमारे बड़े भाई हैं और हमारा एक नाता भी ऐसा है, क्योंकि हमें अब्बा ने बचपन से यही सिखाया कि जो बड़ा भाई होता है वो बाप की तरह ही होता है, बाप होता है। बेशक। तो आप उस नाते से आप हमारे बड़े भाई हैं और हमारे बहुत सीनियर और बहुत अच्छे हमारे मुल्क का सरमाया हैं, तो आपकी खिदमत में बस थोड़ी बहुत हाज़िरी दी है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब इतना
उनके सामने गा लिया तो बाकी बाकी के सामने तो गाना। अच्छा मुझे बताइए कि आपने ये दो गाने क्यों चुने खास तौर पे, जो पहली कॉम्पोजिशन है जी जी, वो कैसे आपको ख्याल आया कि आपको कंपोज करनी चाहिए? शौकत भाई, वो मैं क्रॉस द बॉर्डर उस सिलसिले में काफ़ी अर्सा रहा हूँ मुंबई में, तो मेरी वहाँ पे रूटीन होती थी कि मैं सोने से पहले रात को खान साहब जी की रिकॉर्डिंग्स लगा देनी यूट्यूब पे या सीडीज़ पे। तो अभी जिन्होंने अभी जो खान साहब ने आपको भी दो बोल सुनाए, तो क्या ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी है अहमद फराज साहब की, वो मैं सुन रहा था। तो मैं सुनते सुनते ही सो गया था शौकत भाई। तो मैं तकरीबन 3:30-4 बजे अचानक से मेरी आँख खुली, तो हारमोनियम आपको पता है बेडरूम में ही होता है ज़्यादातर, तो बस वो लेके वही ठाट वही राग दिमाग में था सोने से पहले ही। तो उससे उठ के जब बाजा खोला तो मुझे नहीं पता चला कि ये कैसे बन गई, बस वो कुछ हो रहा था कुछ आ रहा था और बन गई ऐसे ही। फिर खान साहब भी इस वक्त मुंबई में थे, तो सुबह आए, लंच हमने इकट्ठे करना था घर पर, तो जब ये आए तो मैंने बाजा खोल के थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने कहा भाई ये एक स्थाई बनाई, तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी है, इसमें रूह है जो बहुत अच्छी है, इसको जल्दी से रिकॉर्ड करके रिलीज़ करो। तो इस तरह वो इत्तेफाक हुआ इस कंपोजिशन का बनाने का। तो आप खुद आपको है कंपोजिशंस का है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल है। और भी क्यों हैं? जी बिल्कुल बनाता रहता हूँ और अनकरीब इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म पे एक सीरीज ला रहा हूँ, उस्ताद गुलाम अली खान प्रेजेंट्स गायकी। अच्छा, तो उसके अभी मैंने काम शुरू कर दिया इंशाल्लाह, तो उसका भी ऑडियो वर्क हो रहा है, जैसे वो कंप्लीट होगा देन वी विल गो फॉर द शूट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उसमें मेरी सारी कंपोजिशंस मेरी हैं। अच्छा, सारी आपकी हैं? एक गज़ल उसमें मैंने रेडी की है, वो बहुत अच्छा लगेगा लोगों को, एक बहुत सरप्राइज़ होगा कि हमारे जैसे लेजेंड्स हैं उस्ताद नज़र साहब, मैडम नूरजहाँ जी, उनको भी माइंड में रख के मैंने एक कंपोजिशन बना के। तो मेरा आइडिया ये था, मेरी सोच ये थी कि मैं इन दोनों हस्तियों को, मैं और अब्बा मिलके एक ट्रिब्यूट पेश करें, उस प्रोग्राम में आएगा इंशाल्लाह। दैट विल बी अ ट्रीट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी जो आपने इनके गाई चुपके चुपके, आपको पता है कि बहुत ही पॉपुलर है। जी जी बहुत। और जिस तरह इन्होंने गाया वो उसको जिस ईज के साथ गाते हैं, आपको आपको कभी लगता है कि शायद आपको भी उसी ईज से गानी, जिस ईज के साथ हमने सुना मैं इनको, जी जी, तो एक ईज होता है, एक बड़ा एक कंफर्ट होता है जिसको हम सिंगर में देखते हैं। जी जी। तो आपको लगा कि यार मुझे अब्बा की तरह उसी ईज के साथ गाना है इसको? जी ये नहीं, अब्बा की तरह ईज के साथ नहीं गाया मैंने, अपनी तरह ईज के साथ गाया क्योंकि अगर अब्बा की तरह गाने की कोशिश करूँ तो वो फिर उसमें ईज नहीं रहेगा, वो बिल्कुल ईजी नहीं रहेगी, क्योंकि अब्बा की तो स्पेशलिटी यही है कि ये एक गज़ल आज इन्होंने एक प्रोग्राम में गाई है तो कल दूसरे प्रोग्राम में गई है तो वो बिल्कुल चेंज गा दी है। उसमें वो लास्ट डे वाला कोई ना हरकत ना जगह ना कोई ऐसी वो आएगी नहीं, बिल्कुल नए स्टाइल से गा देगी। तो मैंने इसको सोचा कि ये असल में शौकत भाई मैंने गाई नहीं है, दिस इज़ अ ट्रिब्यूट टू माई फादर। वो ट्रिब्यूट इसलिए है कि आज की जनरेशन भी इन चीज़ों से कनेक्ट हो, क्योंकि ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, बहुत पुरानी कंपोजिशंस बनी हुई हैं और जिन लोगों ने सुनी हुई है उनके अंदर तो बस चुकी हैं, लेकिन जो अभी न्यू जनरेशन्स है, जो न्यू एज है, वो लोग इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, वो बहुत हिप हॉप ट्रेंडी और इस टाइप के जो उन्होंने नाम खुद ही रख ली वो म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं। तो ये मैंने गाना क्या है, जो खान साहब की चीज़ गाई होती है उसको मैं ख्याल में कोई भी नहीं गा सकता, तो दिस इज़ आर ट्रिब्यूट, इनके लिए ट्रिब्यूट है। और इसलिए करता हूँ कि मेरे गाने में बरकत रहे और मेरे शोज़ में भी, जहाँ मैं जिस स्टेज पे जाऊँ उसमें भी बरकत पड़ जाए और मेरे में हिम्मत रहे। आमीन आमीन।